अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धस गया है, मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने वाणों को रोक लो। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है अंगराज कर्ण, बहुत बड़ा अत्याचार। तुम तो ये भेद जान गए थे ना कि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। मैं अंधकार में था, मैं तो इस भेद की एक झलक भी नहीं देख सकता था, परंतु तुम तो इस भेद को हर पार देख रहे थे। क्यों छुपाया था तुमने ये सत्य, क्यों? अरे ये सत्य तो उस अविश्वास, द्वेष और संदेह को एक पल में चूर चूर कर देता जो हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ा था, दीवार। तुम तो बस यदि इतना ही कह देते कि मैं तुम्हारा अनुज हूं, एक छोटा सा शब्द, ये छोटा सा शब्द तुम चुपके से भी कह देते ना भैया, तो तुम्हारी सौगंध, ये शस्त्रों की झनकार और युद्ध की हाहाकार भी इसकी मधुर ध्वनि की राह ना रोक पाते। मैं अपना गांडीव तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारे गले लग जाता भैया, तुम्हारे गले लग जाता। और फिर ये रक्तपात और ये युद्ध कभी ना होता भैया, कभी ना होता। तुमने क्यों इस सत्य को छुपाया था, क्यों नहीं बताया? किसने सी दिए थे तुम्हारे होंठ, बोलो भैया, किसने सी दिए थे तुम्हारे होंठ, किसने? अनुज, मैं विवश था अनुज, मुझे क्षमा कर देना। मेरे होंठ मेरे वचन ने सी दिए थे। वचन? कैसा वचन? मैंने माताश्री को यह आश्वासन दिया था अनुज कि मरते दम तक मैं ये भेद किसी पर भी नहीं खोलूंगा कि मैं कौंतेय हूं, तुम सबका बड़ा भाई हूं। जब माताश्री ने मुझे बताया कि मैं इस संसार में अकेला नहीं हूं, मेरे पांच भाई और हैं, तो तुम क्या जानो अनुज, तुम क्या जानो उस समय मेरे मन की क्या दशा थी। मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि युद्ध के पश्चात उनके पांच पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे, चाहे वो पांच कोई भी हो। मैं जानता था अनुज, मैं जानता था कि उनके छह पुत्रों में से जो एक पुत्र कम होगा वो मैं होऊंगा। यह निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया था कि कम होने वाले पुत्र तुम ही होगे? मैं क्यों नहीं होऊंगा, कोई और क्यों नहीं होगा? यह निर्णय मैंने नहीं लिया था अनुज, यह निर्णय तो विधि ने लिया था, यह निर्णय तो नियति ने कर लिया था कि मरने वाला पुत्र मैं ही होऊंगा। माता के पुत्रों में से केवल मैं ही एक ऐसा था जो सत्य का साथ दे रहा था, और मैं ये जानते हुए भी कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूं, उसका साथ छोड़ ना सका अनुज, मैं विवश था। विवश थे तुम? क्यों विवश थे, क्यों साथ दे रहे थे तुम असत्य का, जबकि सत्य अपनी बाहें खोले तुम्हें अपनी गोद में भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस सत्य की बाहें मुझसे इतनी दूर थी अनुज कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। मैं तो दुर्योधन की निष्ठा की डोर से बंधा, उसकी मित्रता की उंगली थामे, अपनी आंखें मूंदे उस राह पर चल रहा था जिसका अंत वही था जहां हुआ। वहां से जीवित लौटने की तो कोई राह ही नहीं थी अनुज, वहां से तो केवल मेरी आत्मा ही लौट सकती थी। मैं प्रसन्न हूं कि मेरा शरीर न सही, किंतु मेरी आत्मा तो उस नरक से निकल आई। बहुत स्वार्थी हो तुम, घोर स्वार्थी हो भैया तुम। अपने उद्धार के लिए तुमने मुझे शोक और पीड़ा के उस नरक में धकेल दिया जहां मैं अपने अंतिम सांस तक सुलगता रहूंगा, जलता रहूंगा। क्या कभी मैं इस दुख से बाहर आ सकूंगा कि मैंने अपने इन हाथों से तुम्हारा वध किया है, तुम्हारी हत्या की है भैया, तुम्हारी हत्या की है मैंने।
तुम्हारी हत्या की है। नहीं अनुज, तुमने अपने हाथों से मेरी हत्या नहीं की थी, मैंने तुम्हारे हाथों से अपनी मृत्यु चाही थी। तुम्हारे हाथों से पाई हुई मृत्यु ही तो मेरी मुक्ति का द्वार खोल सकती थी। मुझसे पूछो कि आज मैं कितना प्रसन्न हूं कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों और केशव की आंखों के सामने हुई थी। मैं तो धन्य हो गया अनुज, धन्य हो गया मैं। मेरी मृत्यु संसार के सबसे महान योद्धा के हाथों हुई थी। अंगराजकरण को यदि तुम्हारे सिवा और कोई मारता तो उसे अपने जीवन से भी क्षोभ होता और मृत्यु से भी। आओ अनुज, मेरे गले से लग जाओ। जीवन में तो यह इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन आज मुझे रोकने के लिए जीवन का बंधन भी नहीं है। आओ अनुज, मेरे गले लग जाओ। भैया, 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 भैया। पछतावा अर्जुन करे कर्ण उसे समझा, धर्म समझ कर जो किया उस पर क्यों पछताए।